सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं सिड्डा माजरा जींद जिले के गांव में। और देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जन्मदिन भी मनावा है, सालगिरह भी मनावा है, लेकिन अपने सालगिरह पर कोई केक काटा है, कोई कुछ करा है, कोई घूमन फिरन जा है, लेकिन आड़े मतलब नवीन खटकड़ जी है, उनकी शादी की सालगिरह और उन्होंने वर्ल्ड कैंप लगा रखा है। तो उनसे बात करांगे कि भी कितने दिन तक वर्ल्ड कैंप लगा, और वर्ल्ड कैंप में गिला हेलमेट बांटे जा है जो यहाँ पर वर्ल्ड डोनेट करके जा है। तो नवीन जी से पूछेंगे, आप देखने लग रहे हो कि मतलब यहाँ पर वर्ल्ड डोनेट किया जा रहा है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी। सबसे पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। कै साल हो गए जी शादी ने? दूसरी साल है जी। दूसरी साल है। हाँ जी। तो ईब की बरिया कैंप लगाया, पहले भी लगाया है ना जी? पहला काफी टाइम तक लगा हुआ जी, जन्मदिन पे भी लगाया करा। अच्छा। वैसे भी कोई मौका चाहिए मामा जी ब्लड डोनेशन। अच्छा। कैंप लगाने का पूरा भी लगावा जी, और अपना जैसे जींद है जी ब्लड बैंक है वहाँ भी लगावा। देखो जी, शादी की सालगिरह आपकी, दो साल हो गए आपकी शादी ने। हाँ जी। और साथ में ब्लड डोनेट कैंप तो है, साथ में मतलब आप हेलमेट भी बांटना करे। देखो जी, बात ऐसी है कि कई बार आदमी घर रखी चीज ना लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरह भी कोई है सोचा भाई क्यों हेलमेट पीछे लाई, लेकिन एक टाइम घर चीज़ धरी है तो उसकी यूज भी करेगा। ठीक है, तो मेरी यह सोच है कि भाई एक कुछ ऐसा अलग करा, ये केक काटना दारू दूरू ने छोड़ गए भाई, ऐसा काम करें भाई दूसरा का भी कुछ लाभदायक हो। अभी यह पीछे मैं अगर केक पे या दारू पे वेस्ट करूँगा, उससे अच्छा अगर मैं इस चीज़ में लगाने लग रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कभी तो हेलमेट यूज करेगा। तो उस चीज़ में एक यही सोच है कि भाई सेफ रहो, गलत चीज़ रखी है यूज करो। और ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें खुद को भी नहीं पता कि हम किसको दान कर रहे हैं। ठीक है, और यह सब अपने सुभाष डिगाना जी हैं, मेरे बड़े भाई लगा लो या फिर मेरे गुरु लगा लो, उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद उन्होंने गाइड किया, उसके बाद ही मैं इस चीज़ में आया। देखो नवीन जी, पता है बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे मतलब शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, हाँ, दारू पीते हैं, पार्टी बाजी करते हैं, मतलब औरों को भी दुखी करते हैं। हाँ, तो आपके दिमाग में मतलब ये चीज़ कहाँ से आई? ये मेरे सुभाष जी से सीखा मैंने। अच्छा। सुभाष डिगाना जी हैं, अभी वो इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हैं। ठीक है, उनके तो ये लगा लो, मैं कुछ भी नहीं उनके बराबर में, तो बस उनके सामने चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि कुछ उनके बराबर में थोड़ा बहुत कर सकूँ। उनके कैंपों में गया मैं, वहाँ पर मैंने देखा कि वो भी अपनी सालगिरह पे कैंप लगाने लग रहे हैं। अगर ये इतना अच्छा काम कर सका तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इस करके ना उनकी प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक हूँ, कैंप लगा रहा हूँ, मेरे जन्मदिन पे भी लगा रहा हूँ, एनिवर्सरी पे भी लगा रहा हूँ। आगे कोई भी मेरे परिवार में खुशी होगी तो मैं हर एक कैंप्स के एंजॉय करूँगा, ये केक या दारू दूरू अपने इसमें नहीं है। वो कहते हैं ना नवीन जी की मतलब खुद को बदलो देश बदलेगा। हाँ बिल्कुल जी। और अब तक आप कितने मतलब ब्लड डोनेट कैंप लगा चुके हो, कितने हेलमेट? हेलमेट जी हमारी सर्व कल्याण मंच केक हुआ है उसके अंदर जी 8,000 से ऊपर हेलमेट हम बांट चुके हैं कैंपों के अंदर। अच्छा। हाँ जी, आगे भी यही मुहिम चलाते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भाई ये सोचता है कि भाई मुझे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है लेकिन हमें पता नहीं कि कहाँ टीम कैसे क्या करना है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे आगे मिले, हम फुल सपोर्ट करेंगे भाई का किसी चीज़ की भी कहीं पे भी हो। और हमारी यही है कि भाई खून की वजह से किसी की मौत ना हो। ठीक है भाई, अगर कोई ये भी कहना है आधी रात ना मना ब्लड की जरूरत है और मैं उसका कुछ काम आ सकूँ तो आधी रात को भी मैं उसके पास आऊँगा। राम राम सर जी। मैडम नमस्कार। नहीं सर, राम राम लेनी पड़ेगी। अच्छा, राम राम जी। क्या नाम सर? सुभाष डिगाना, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित। राष्ट्रपति अवार्ड। हाँ। तो सर देखो, यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया, आप भी यहाँ पर पहुँचे हो और एक शादी की सालगिरह पर एक रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहो? ये युवा संगठन का अध्यक्ष है हमारा, साथी है भाई नवीन खटकड़, ये पिछले 2-3 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं इसी फील्ड में काम करता रहता हूँ। 750 कैंप मैंने लगा चुका हूँ और मैं भी अपनी शादी की सालगिरह पर, घर में बच्चों के जन्मदिन पर कोई भी खुशी का मौका होता है तो उस पर खूनदान का कैंप ही लगाता हूँ। तो उससे मेरी प्रेरणा से ही भाई नवीन की भी आज दूसरी शादी की वर्षगांठ है, तो आज इसने भी इच्छा जताई, इसकी पत्नी ने भी, वह हम भी अपनी शादी की जो सालगिरह है वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा के कुछ ज्वेलरी खरीद के ना मना के हम खूनदान करके मनाएँ, ताकि किसी को अगर यहाँ से हम 40-45 यूनिट इकट्ठी करेंगे ताकि किसी ज़रूरतमंद को वो समय पर उपलब्ध करवाया जाए और उसकी जान बचाई जाए, तो यही मुख्य उद्देश्य है इसका। दूसरे लोग भी मोटिवेट। नवीन जी से बात हुई तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपका नाम लिया कि उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने ये शुरू किया। हमें बहुत ऐसे युवा हैं जो मेरे उस पर मेरे अपने रोल मॉडल मुझे मानते हैं, मेरी प्रेरणा से रक्तदान की इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो जींद जिले के सभी गांवों में हमने रक्तदान जागरूकता अभियान चलाकर इस तरह के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए। हमारा एक संकल्प भी है कि हमारे क्षेत्र में खून की कमी से किसी की भी जान ना जाए और उस पर हम कायम भी हैं। राम राम सर। नमस्कार। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम सुभाष कौशिक है, मैं सोशल वर्क में बहुत
विश्वास रखता हूँ और आज इन सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक नई शुरुआत की है कि अपने मैरिज एनिवर्सरी पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार ये बहुत बड़ा काम है। ब्लड डोनेशन जो है वो किसी को जीवन दान देने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। तो मैं सभी युवाओं को बधाई और आपको भी विशेष तौर से कि आप एक अच्छे सामाजिक प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए हैं, एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, आप इनको प्रोत्साहन दें और युवाओं को भी आगे इसी तरह से आप आगे प्लेटफॉर्म पर लेके आए। धन्यवाद। देखो सर, एक तो ये मतलब यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया और साथ में मतलब जो यहाँ पर युवा रक्त दान करके जाते हैं उनको हेलमेट भी दिया जाता है। हाँ, ये हेलमेट भी इसलिए दिया जाता है कि ये भी सुभाष डिगाना जी की शुरुआत थी कि जीवन बचाना है, एक ब्लड डोनेशन देकर जीवन बचाया जा सकता है। एक जो बच्चे बाइक चलाते हैं, बाइक एक ऐसी सवारी है जिससे गिरते ही आदमी के सिर पर चोट लगती है और सिर पर चोट लगते ही 90% चांसेस बचने के कम होते हैं। तो बचाने का ये भी एक माध्यम था कि हम युवाओं को, क्योंकि अपने इलाके में इस तरह का क्रेज़ नहीं था कि हेलमेट, लोग जागरूकता नहीं थी, तो इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप में जो डोनर आते थे उनको ये हेलमेट देते हैं कि भाई जीवन भी बचाओ और अपना जीवन भी बचाओ, कि हेलमेट पहन के बाइक चलाइए ताकि आपका भी जीवन बचे और आपके अपने साथियों को प्रेरणा करें, उनका भी जीवन बचे। हेलमेट न पहनने की वजह से बहुत से युवाओं की मौत हो गई है। इस विषय को लेकर ये एक बहुत बड़ा अभियान है, एक समय में ये दो सामाजिक काम कर रहे हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे युवा आए हुए हैं तो पूछेंगे मतलब कहाँ कहाँ से आए हैं या फिर सिड्डा माजरा से हैं, तो जो रक्तदान होता है कहाँ से करने के लिए आए, पहले तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? परमजीत जी। कहाँ से आए हो? करसिंह दूध है जी। करसिंह दूध है। खूनदान करने के लिए कितनी बार कर चुके हो? 2-3 बार कर लिए। मतलब देखो कई बार कहते हैं कि मतलब वीकनेस आ जाती है, कुछ नहीं आंदा जी, ऐसा कुछ दूध की खाओ कुछ नहीं आंदा, गल दूध ले रहे भाई अपना बाल्टी भर के कितना दूध पियो केले खाओ गल मतलब शादी की सालगिरह पे यो रक्तदान कैंप लगाया गया है, तो क्या कहना चाहोगे? आप घना तो मैं बेरा नहीं पढ़ो में तो और अच्छे ये तो अच्छे काम है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। और तो देखो नवीन जी, आज के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवा को मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल ये जो ओके कार दारू का ट्रेंड चला हुआ ना भाई, इसको थोड़ा एक साइड में रख के ना कुछ ऐसा भी कर लियो कि ताकि हमें भी कभी ये फील हो कि हाँ लाइफ में हम भी कुछ करने लग रहे हैं। ठीक है, अब भी कोई दारू पीना या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना, ठीक है, ये तो पहले भी करते आए हैं, अब भी करेंगे लोग, लेकिन हमारे ये है कि भाई कुछ ऐसा करें कि लोग पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। तो अब तक मतलब ब्लड डोनेट कैंप में कितने लोग आके रक्तदान कर चुके हैं? अभी मैडम ज़्यादा नहीं, अभी तो 15 ही आए होंगे। अच्छा। हाँ वही है, 50+ में हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए मतलब ये यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया जो शादी की सालगिरह नवीन खट्टर जी की, तो एक तो ब्लड दान करना मतलब खून दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरी बात मतलब साथ में हेलमेट किसी के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, साथ में हेलमेट जो यहाँ पर खून दान करता है, रक्तदान करता है, तो उसको साथ में एक एक हेलमेट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कितनी अच्छी पहल यहाँ पर की गई, और काफ़ी सालों से नवीन जी ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैंप का आयोजन करते हैं हर साल, पहले अपने जन्मदिन पे करते थे और उनकी अब शादी की सालगिरह जो एनिवर्सरी है उस पे लगाते हैं। 2 साल उनकी शादी की हो चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज में लोग इनसे सीखे और ऐसे ही कुछ अपनी शादी की सालगिरह पर या जन्मदिन पर करे, दारू या फिर और सारी पार्टीबाजी जो लोग करते हैं जन्मदिन या फिर सालगिरह पर, उनसे बच कर रहे। और कमेंट बॉक्स में आपको भी बताना है कि ये आयोजन शादी की सालगिरह पे जो किया गया है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी युवा इससे प्रेरणा ले सके।